भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा आज भी कई सारे रहस्य अपने दामन में समेटे हुए है। यहाँ आज भी कुछ रहस्य और चमत्कार ऐसे हैं जिनका आज तक कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाया है। ये केवल रहस्य ही बने हुए हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन गिरिधारी की परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले चमत्कारी कुंड के बारे में। जी हाँ, जिसे राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड की सबसे विशेष बात तो ये है कि कोई भी निसंतान दंपत्ति अहोई अष्टमी यानी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्यरात्रि को यहाँ एक स्नान करता है एक साथ, तो उसे बहुत जल्द संतान की प्राप्ति होती है। चलिए आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। पुराणों की माने तो कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए अरिष्ठासुर नामक दैत्य को भेजा था। बताया जाता है उसने कंस का आदेश मानकर बछड़े का रूप धारण कर लिया और श्री कृष्ण की गायों में शामिल हो गया था। साथ ही वो उन्हें मारने भी लगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, उन्होंने बछड़े के रूप में छिपे दैत्य को पहचान लिया। इसके बाद क्रोध में श्री कृष्ण ने उसको पकड़कर जमीन पर पटक पटक कर उसका वध कर दिया। पटक कर मरते ही उसकी मृत्यु हो गई। साथ ही इसके बाद माँ राधा ने श्री कृष्ण से कहा उन्हें गौ हत्या का पाप लग गया है और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए आपको तीर्थों के दर्शन करने चाहिए। माँ राधा की इस बात से कृष्ण भगवान दुविधा में पड़ गए और उन्होंने इसका निवारण देवर्षि नारद से पूछा। देवर्षि नारद ने उन्हें उपाय बताया कि वह सभी तीर्थों का आवाहन करके उन्हें जल रूप में बुलाएं और तथा उन तीर्थों के जल को एक साथ मिलाकर स्नान करें, जिसके चलते उन्हें गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सुनते ही श्री कृष्ण ने एक कुंड में सभी तीर्थों के जल को आमंत्रित किया और कुंड में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। तभी से उस कुंड को कृष्ण कुंड कहा जाता है, जिसमें स्नान करके श्री कृष्ण गौ हत्या के पाप से मुक्त हो गए थे। आपको बता दें सबसे खास बात तो ये भी है, इस कुंड का निर्माण श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से किया था। इसके बाद श्री कृष्ण के द्वारा बने इस कुंड को देख राधा रानी ने भी उस कुंड के पास में अपने कंगन से एक और छोटा सा कुंड खोद दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब उस कुंड को देखा तो उन्होंने प्रतिदिन उसमें स्नान करने व उनके द्वारा बनाए गए कुंड से भी अधिक प्रसिद्ध होने का वरदान दिया था। तभी से देवी राधा कुंड के नाम से यह कुंड आज तक प्रसिद्ध हुआ। मान्यता है अहोई अष्टमी तिथि को इन कुंडों का निर्माण हुआ था, जिसके कारण अहोई अष्टमी को यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व होता है। हमेशा इस दिन यहाँ लाखों की संख्या में लोग स्नान करते हैं। इस कुंड की सबसे विशेष और खास बात तो ये भी है कि कृष्ण कुंड का जल काला और राधा कुंड का जल सफेद दिखाई देता है, जो कि श्री कृष्ण के काले वर्ण के होने का और देवी राधा के सफेद वर्ण के होने का प्रतीक माना गया है।